नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आज इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको नेट में हेल्प मिले। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसे अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते रहेंगे और वो ऑब्वियसली लिंक करेंगे नेट के एग्ज़ाम के साथ। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ये सेशन। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और साथ ही साथ आंसर भी दूंगा और इसके साथ लिंक्ड चीज़ भी आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं आप लोग कि हु इज़ हैमलेट्स बिलवेड इन हैमलेट। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है ओलिविया, पोर्शिया, फेलिया एंड कोडेलिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है हैमलेट में दोस्तों कौन थी? ओफेलिया, ठीक है। वो यहाँ की हम हीरोइन कह सकते हैं इसे, ठीक है। हैमलेट हीरो था और ये हीरोइन थी, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट हैमलेट था। तो ये ओलिविया कहाँ, कौन से कहानी में, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये 12th नाइट पे है। पोर्शिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस पे और कोडेलिया आप लोग जानते होंगे कि किंग लियर से है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, ठीक है। तो शेक्सपियर जो है वो रॉयल क्रिमिनल को कौन से कहानी में प्रस्तुत कर रहा है? वो है दोस्तों, ऑप्शन है किंग लियर, हेनरी द फोर्थ, रिचर्ड द थर्ड एंड हेनरी द एट। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड द थर्ड। इस पे ये कहानी जब लिखी गई थी, इसका तकरीबन डेट कहा जाता है 1592 से लेके 94 के भीतर ये लिखा गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या है? अ लिरिक पोएम दैट एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट फीलिंग, इंटेंस फीलिंग सच एज लव, रिस्पेक्ट और प्रीज फॉर समवन और समथिंग इज। तो पूछा गया है कि ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं आपको कहाँ मिलते हैं? लव का, रिस्पेक्ट का, प्रेज फॉर समवन, किसी के प्रति प्रेज करना है या किसी किसी के प्रति अपना सद्भावना रखना, वो कौन से चीज़ में मिलता है? पूछा गया कि वो सॉनेट में प्राप्त होता है, एन ओड में, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग में, या एन एन एलिजी। तो इन सब में कौन सा है ये आपको पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक ऑड है, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो एन ओड है, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सिंग या फिर चैट, चैंटिंग, ठीक है। तो गाना गाना या चैंटिंग करना उसके भीतर, और ये ग्रीक वर्ड है एक एसिडिन, ठीक है, एसिडिन इसका है ग्रीक वर्ड। तो अभी जान लेते कि सोनेट दोस्तों क्या होता है। इसमें स्पेशली आपको पता होगा कि 14 लाइन्स होते हैं, इसमें शेक्सपियर का भी सोनेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं कि मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है सेल्फ कॉन्वर्सेशन, जो खुद ब खुद आदमी बात करता है। जैसे बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज होती है, ज़्यादातर पोइट्रीज ही दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है, क्योंकि वो पोइट अपने मन की इच्छा प्रतिव्यक्त करता है, लोगों के सामने व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता दूँ, माई लास्ट डचेस, यूलिसिस, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। और एलिजी क्या होता है? एलिजी होता है जब हम कोई मोर्निंग कर रहे हो, जैसे दुख मना रहे हो, या किसी के खो जाने का दुख कर रहे हो, उस पे मतलब यहाँ पे सैडनेस भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली लॉस, कोई इंसान अगर चले जाए तो उस पे जो दुख मनाया जा रहा है वही सब है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट? ये बहुत आसान है दोस्तों। उसमें पूछा गया कि शेक्सपियर सोनेट किस टाइप का होता है, सीधी बात यही है। इट हैज़ एन ऑक्टिव, इसमें एक ऑक्टिव होता है। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विथ नो सच डिवीजन। इट हैज़ 3 क्वार्टर्स एंड कपलेट। इट हैज़ द एंडिंग ऑफ ऑल्टरनेट लाइन राइमिंग विथ ईच अदर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इट हैज़ 3 क्वार्टर एंड अ कपलेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉनेट में, मैंने पहले भी कहा कि 14 लाइन का होता है, तो 14 लाइन में जो लास्ट के 2 लाइन होते हैं वो कपलेट कहलाते हैं, और बाकी जो 12 लाइन बचता है उसे क्वार्टर्स कहा जाता है, जो 3 पैराग्राफ में डिवाइड रहता है, चार चार करके लाइन रहते हैं, तो वो
ये चार चार करके लाइन होते हैं, इसमें आपको 12 लाइंस ऐसे मिलेंगे चार तीन तीन टुकड़ों में, और लास्ट में आपको एक दो लाइन का कपलेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट कंप्रेस्ड कंप्रेस डैश बुक्स, मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे कितने किताब थे पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये किसने लिखा था। ये लिखा था जॉन मिल्टन ने। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों ये 1667 में। यहाँ पे ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्लैंक वर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो मैं बता दूँ, जिस कविता में वर्स मतलब रिदम जो होता है वो मतलब राइमिंग ना रहे। ठीक है, छंद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो राइमिंग ना रहे। यहाँ पे तकरीबन 10,000 लाइंस थे। ठीक है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे एक कन्फ्यूजन आता है, कोई सोच रहे होंगे इसमें 12 होगा, कोई सोच रहे होंगे कि 10 होगा, ये दोनों ही हो सकता है इसका जवाब। किस तौर पे अब इसका जवाब देंगे, तो पहले मैं बता दूँ, जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था, जब पहली बार पब्लिश हुआ था तब इसमें कुल मिला के 10 किताब थे। ठीक है, 10 किताब थे, और जब दूसरी बार पब्लिश हुआ उसका डेट था 1674, हाँ 1674, और इसमें कुल मिला के 12 बुक्स थे। तब आप कौन सा आंसर देंगे, यही आप सोच रहे होंगे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा आंसर देना है। उसके साथ साथ बता दूं कि ये जो 10 बुक मैंने कहा, ये किस आधार पे ये बाद में जाके 12 बुक बन गया, इसके पीछे का एक यही कारण है कि जो सातवां किताब था और जो 10वां किताब था आखिरी वाला, इन दोनों किताब में दो हिस्से थे। ठीक है, दो पार्ट से, तो बाद में इसको तोड़ के अलग किया और उन दो पार्ट को अलग से लिखा, मतलब अलग से उसको पब्लिश किया गया, तब वहाँ पे 12 किताब होंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ बुक रिटन बाई चार्ल्स डॉगसन। चार्ल्स, इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम चार्ल्स डॉगसन डॉडसन, अ विक्टोरियन मैथमेटिशियन एंड प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, विच बिकम अ क्लासिक बिकेम अ क्लासिक। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, और वो उसने बाद में जाकर क्लासिक लेख लिखा, वो लेख कौन सा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेजर आइलैंड, पीटर पैन, गलीवर्स ट्रेवल और एलिस इन द वंडरलैंड। तो इसका दोस्तों जवाब है एलिस इन द वंडरलैंड। ठीक है, असल में ये जो चालीस डॉजसन है, ये नाम भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को, तो ये डॉजसन जो थे, इनका नाम असल में हम लोग जो जानते हैं वो ये नहीं जानते हैं। इन्हें हम सही तरीके से पहचानेंगे जब मैं बताऊंगा आपको कि इसका असली नाम हम लोग जो जानते हैं वो क्या है, लुइस कैरोल। ठीक है, लुइस कैरोल, इनको हम इस नाम से जानते हैं क्योंकि ये इनका पेन नेम था, लुइस कैरोल, ये इनका पेन नेम था। याद रखिएगा, पेन नेम वो होता है जब लेखक या लेखिकाएं जब अपना असली नाम यूज़ ना करे और कोई अलग नाम से कोई पेपर प्रेजेंट करे, या कोई पेपर प्रेजेंट नहीं, कोई कहानी लिखे, तो उसे पेन नेम कहा जाता है। तो इन्होंने अपना ये पेन नेम रखा था, असल में इनका नाम चार्ल्स डॉक्सन था, डॉडसन नॉट डॉक्सन। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं साथ ही साथ, और हाँ दोस्तों बता दूं कि पीटर पैन किसने लिखा था, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा था, और नहीं, ट्रेजर आइलैंड दोस्तों, ट्रेजर आइलैंड रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा था, और पीटर पैन जो है वो जेम्स मैथ्यू बैरी ने लिखा था 1904 में प्ले के तौर पे और 1911 में नॉवल के तौर पे। गुलीवर्स ट्रेवल आप लोग जानते होंगे कि जनार्दन स्विफ्ट 28 अक्टूबर 1726 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, सातवें क्वेश्चन में, ऑल चैलेंज्ड कॉमा चैलेंज्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, दीज लाइन्स ऑकर इन अ पोएम बाई,
ये जो लाइन, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये दो लाइन कौन से कविता का है, मतलब किसने लिखा है, यही यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको जवाब ढूंढना होगा। इसका जवाब है दोस्तों डब्ल्यू बी ईस्ट, डब्ल्यू बी ईस्ट, ठीक है। और ये डब्ल्यू बी ईस्ट ने इसको कौन सी कविता में, ये लाइन आपको मिलेगी, उनका लिखा हुआ एक कविता है जिसका नाम है ईस्टर, ईस्टर 1916, ये पूरा ही कविता का नाम है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा एक पोएम का नाम है, इसे याद रखिएगा। और ये पब्लिश हुआ था 1921 में, 1921 में। और यहाँ पे जो कहा गया है मेन, किस चीज़ पे ये लिखा है, ये आयरलैंड और इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश रूल के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिस वजह से उन्होंने उस मतलब अगर पूछा जाए तो किस पे आधारित है, तो वही जो उनके बीच केस चल रहा था, बवाल चल रहा था वही, ठीक है, उनके बीच का जो प्रॉब्लम था उस पे उन्होंने लिखा था ये ईस्टर 1916, जो पब्लिश हुआ था 1921 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, वेयर डज दिस कोटेशन कम फ्रॉम, तो ये कोटेशन कहाँ से आया है ये पूछा गया है। ये कोटेशन क्या है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, यहाँ पे दाई होगा दोस्तों, TH Y, दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, तो ये लाइन कहाँ से है। तो ऑप्शन है आपके पास मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन, ब्राउनिंग, ऑर्थर क्लॉज, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा दोस्तों टेनिसन, ठीक है। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड टेनिसन, और ये एक कविता का ही है, ब्रेक 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 कविता से लिया गया है, और ये पब्लिश हुआ था 1842 में, ठीक है, जिसको लिखा था उन्होंने 1835 में, ठीक है, और पब्लिश बाद में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, अबाउट विच इंग्लिश बायोग्राफर डिड मैकुले, ये नाम आप लोग ने सुना होगा कि मैकुले, मैकुले मेक द स्टेटमेंट दैट ही लिक्ड द बूट्स दैट किक्ड हिम, तो ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट, ही लिक्ड द बूट दैट किक्ड हिम, ये किसके द्वारा है, ठीक है, कौन से बायोग्राफर, बायोग्राफर आपको याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश बायोग्राफर बोला है तो सीधी बात है कि यहाँ पे हर कोई बायोग्राफर नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो बायोग्राफर कौन था, बायोग्राफी कौन लिखा करता था, तभी इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे भी ऑप्शन हैं, इसमें से बायोग्राफर ये थे जेम्स बॉसवेल, ठीक है, ये एक स्कॉटिश बायोग्राफर थे, लॉयर थे, डायरिस्ट थे, मतलब डायरी भी लिखा करते थे। तो इन्होंने जो लिखा था स्पेशल बायोग्राफी, वो क्या था, वो था सैमुअल जॉनसन पर, ठीक है, उसका नाम था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ये लिखा था उन्होंने, और ये लिखा था 1791 में, ठीक है। तो इसका जवाब है जेम्स बोसवेल, उन्होंने ये लिखा था अपने बायोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, विच इंग्लिश राइटर क्लेम टू हैव प्लेड द सीडी सीडिलियोस एप एप, ठीक है, सीडिलियोस एप, ये जो कथन है ये टू ग्रेट मैन ऑफ लेटर, मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन खुद को क्लेम किया है सीडिलियोस एप के रूप में, जिससे वो खुद को ग्रेट मैन ऑफ लेटर कह सके, ठीक है, ग्रेट मैन ऑफ लेटर मतलब वो लिटरेचर में बहुत ही आगे है, ठीक है, तो लैंग्वेज या लिटरेचर में आगे होना ही माना जाएगा, तो ग्रेट मैन इन लेटर। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है जो किसी भी चीज़ में बहुत ही काम करने में माहिर हो, बहुत ही मन और लगन से काम करता हो, उसे ही कहा जाता है सीडियोस एप। एप असल में तो हम जानते हैं कि वो एक बानर प्रजाति है, मगर वो अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकती है, तो उसी तरह का कोई इंसान भी है, जैसे वानर से ही इंसान बने हैं, बहुत कुछ सीखने के बाद बने हैं, तो यही इसका मतलब है। तो इसमें पूछा गया है कि ये इसका जवाब क्या होगा, तो
दोस्तों इसका जवाब होगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी, आर एल स्टीवनसन। ठीक है, ये इन्होंने ही लिखा था ट्रेजर आइलैंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ट्रेजर आइलैंड। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1850 में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूँ और भी जो यहाँ पे कुछ लेखक हैं इनके भी कुछ वर्क मैं बता दूँ तो आपको याद रहेगा। जैसे डी एच लॉरेंस ने लिखा था सांस एंड लवर्स, मैं यहाँ पे एंड ऐसे ही लिखते रहा हूँ। ठीक है, रॉबर्ट लिंड ने क्या लिखा था, रॉबर्ट लिंड का मैं यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ। रॉबर्ट लिंड ने लिखा था द मनी बॉक्स, मनी बॉक्स। और बर्नर्ड शॉ ने क्या लिखा था, द, इसका भी मैं दे देता हूँ ए का, इनका लेख क्या था, द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको नाम दे दिए ताकि आपको इनके साथ लिंक्ड मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि किसने कौन सा लिखा है, मैचिंग करने दिया जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे दे दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन से लेखक ने क्या लिखा था। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको सब पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल के साथ दोस्तों बने रहिए ताकि ऐसी ही वीडियो जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हो वो हम बनाते रहें, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि जो जो नए वीडियो आते रहें आपको मिलते रहें, और वहाँ पे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।